ये अभी आपको पहनना है। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का डे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? सोचा तो था कि सरप्राइज़ रखूं, बट थंबनेल वगैरह से आपको वैसे भी आइडिया लग जा रहा है, तो सोच रही हूँ बता ही दूँ। तो गाइस आज तो शिवरात्रि है, तो पहले तो हैप्पी शिवरात्रि, और दूसरी चीज़ कि आज पापा का बर्थडे भी है। वी आर प्रिटेंडिंग लाइक कि हमें पता ही नहीं है, हम भूल गए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कब तक चलता है ये सरप्राइज़, है ना। तो शिवरात्रि है तो मैं तो पास्ट हूँ नहीं, मम्मी है, तो मम्मी को तो पास में ही एक मंदिर है, वहीं पे हर साल मम्मी जाती है शिवरात्रि पे जल वगैरह चढ़ाने। तो बस उन्हें अभी लेके जाना है और शाम को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे पापा का बर्थडे। तो यार प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बेसमेंट में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, इनका ऑफिस का सेटअप हो रहा है, एंड रूफ़ पे मैं सोच रही हूँ करने का, बिकॉज ऊपर आइडिया नहीं लगेगा, है ना। बीच में करूँगी तो उन्हें पता चल जाएगा, तो देखते हैं कैसे होता है, बट प्लान तो यही है। एंड कल ही, आज तो छुट्टी थी तो मैं जा ना पाती, बट केक के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज वो लोग लास्ट टाइम मैंने होम डिलीवरी करवाई थी तो थोड़ा वो गड़बड़ हो गया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि खुद जाके लूँगी, तो मुझे जाना पड़ेगा, वो भी एक है काम। और बाकी गिफ्ट्स वगैरह तो मैंने कल ही ले लिए थे। गिफ्ट्स क्या मतलब यार, मम्मी पापा के लिए यार जो भी कर दो, मतलब कमी है ना उनका, हम लोग कभी बराबर नहीं कर सकते। तो बस वही है कि मैंने कपड़े लिए, है ना। मैंने सोचा था कि पापा का बर्थडे है, मम्मी का तो हम लोग मनाते नहीं, उनका पता भी नहीं है, तो ऐसा करें कि दोनों के लिए स्पेशल हो जाए, है ना। लाइक पापा के लिए तो कपड़ा लिया, उसी सेम कलर का मैंने मम्मी के लिए भी सूट वगैरह लेने का सोचा, तो दोनों का कलर जो है मैंने वो थोड़ा सा सेम रखा है, ताकि फ़ोटो वगैरह उनकी अच्छी आ जाए, एक मेमोरी बन जाए, है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस अभी तो फिलहाल का यही प्लान है, तो चलो गाइस अभी फटाफट से तैयारी करते हैं, मम्मी को मंदिर लेके जाते हैं, है ना। तो वहाँ का भी अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। मम्मी कितने घंटे लगेंगे? एक को मिनट ना, बस जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग हो गया रेडी। ये भी सो के उठे हैं। आज तो नहा ले यार, शिवरात्रि। See everyone, I am going to the temple. I am doing swing like this. So many swing. There is no swing. Okay. You will do the prayer, na? Prayer. Yeah. गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और आप देख पा रहे होंगे मम्मी स्कूटी पे बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही थक गई, तो अभी रेस्ट कर रही हैं। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो गाइस अभी पूजा हो चुकी है और अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो अब चलिए सीधे शाम को मिलते हैं बर्थडे की प्रेपरेशन के साथ। Hey guys, तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और हमारा केक भी अभी आ चुका है। एक्चुअली हमने प्लान क्या किया था कि 4 से 4:30 जो है वो पापा के वॉकिंग का टाइम है, तो उसी बीच में हम जो है केक लेके आ जाएंगे। हुआ ये कि आज पापा वॉकिंग ही नहीं गए, बिकॉज थोड़ा मैंने बताया था ना बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बस उसी चक्कर में पापा थोड़ा बिजी हो गए और वॉकिंग गए नहीं आज। और हुआ क्या, इन्हें लगा वॉकिंग गए होंगे, तो जैसे ही एंटर हुए पापा थे सामने, तो पापा ने देख लिया केक, तो थोड़ा बहुत तो उन्हें आइडिया लग गया होगा, बट कोई नहीं। तो बस गाइस अभी चलिए रात के डिनर की प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना है, यहाँ पे होगा केक कटिंग। खाने में आज मटर पनीर राइस और पूरी का प्लान है, तो अभी बस मैं जा रही हूँ उसी के लिए थोड़ा प्याज वगैरह काटने,
और अभी जब तक गूगल खेल रही तब तक मैं सोच रही बना ही लूँ ताकि तो अभी यहाँ पे मैं बिना फ्राई किए हुए पनीर ऐड करूँगी इसमें बिकॉज ऑलरेडी पूड़ी बनेगी तो काफ़ी तेल तेल हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे ही डालूँगी और ऐसी घर में सभी को पसंद भी है। तो भाई अभी सब्जी बन चुकी है, आटा वगैरह लग चुका है पूड़ी के लिए, बचा चावल, तो चावल तो मैं यूं बना लूंगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो है डेकोरेशन वाला काम खत्म कर लूँ। सो गाइस पापा ने बलून ब्लो करते हुए देख लिया था तो मैंने सोचा क्या रूफ का प्लान करूँ, मतलब गूगल के साथ ऊपर नीचे बड़ा मुश्किल था, है ना, वो करने भी नहीं दे रही थी तो मैंने सोचा बीच में ही करते हैं। तो ये मैंने डाइनिंग एरिया को कवर किया और वहीं पे मैंने जो है सेटअप किया। ये रहा पापा का और ये रहा मम्मी का। तो सोच रही हूँ अभी दोनों लोग को जाके दे देती हूँ ताकि वो लोग पहन लें एंड विल कट द केक। मम्मी ये अभी आपको पहनना है। अरे गजब बेइज्जती है। ठीक है सही में ना पहनिए। थैंक यू पापा। ये देखो यार मैं फ्लावर लेके आई थी कि मैं टेबल पे थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी तो गूगल ने डेकोरेट कर दिया। गूगल कीप इट ऑन द टेबल ना, शी इज थ्रोइंग लाइक दिस, इट्स अ बैड हैबिट। अरे सब ठीक है, सब ठीक है। अरे पहनी है तो मम्मी जा रही हूँ ना लेने। देखो कितना सही लग रहा है मम्मी, सच में सही लग रहा है आप पे। शॉप से ले आई है भाई घंटा डालने में का। सही बात है। सो अभी जा रहे हैं केक कट करने। थैंक यू बच्चों। थैंक यू निधि। खुशियाँ सबको ऐसे नहीं मिलती, बच्चे अपने आप पढ़ रहे। कम यार दिन काट। ये सिंग द सॉन्ग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा। यू से ना गूगल बाबा। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पापा। ओह माय गॉड यू ईटिंग सो मच केक। ऊपर से क्रीम क्रीम ले रही हूँ।
मम्मी तो गाइस अभी केक वेक कट चुका है, डांसर्स भी हो चुका है और अभी सब जो है डिनर के लिए बैठे हैं। तो बस सब मैं पूड़ी बना रही हूँ। सो ऑल राइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक माय व्लॉग। इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। And we'll see you in our next vlog. Till then, bye-bye.